ऐसे जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम सुनिश्चित निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन चैन और शांति के शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी की हत्या का समाचार सुनकर स्तब्ध हैं। ये अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और सुखदेव सिंह जी ने कई बार पुलिस प्रशासन को इस संबंध में आगाह भी किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन क्यों नहीं की गई, क्या कारण थे, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैंने सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के शीर्ष लोगों से बातचीत की, तुरंत ही ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को जांच कर दोषी लोगों को सजा मिले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके उनकी तुरंत सजा तय की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में एक अराजकता का माहौल राजस्थान में रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों इसके लिए प्रोसेस पुलिस प्रशासन को। जय छात्र, आज बपोर 1 बजे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ना संस्थापक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी नी हत्या करी देवामां आवी, विश्वासघात करवामां आवी, मळवाना बहाने लोको आव्या अने विश्वासघात करी हत्याने अंजाम आपीने भागी गया। तमाम क्षत्रियो आजे दुखनी लागणी व्यक्त करे छे, रोष छे अने दुर्भाग्य छे। पोलिस प्रशासन, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीओ, आईबी, सीआईडी, रो तमाम संस्था होवा छता आवी घटना ने अंजाम आपी देवामां आवे छे अने आपणी संस्थाओने खबर नथी होती, परंतु जे कोई आ हत्या ने जिम्मेवारी लीधी छे ए तमाम ने जवाब टूंक समय में आपवामां आवशे अने अमे केन्द्र सरकार अने राज्य सरकार ने चेतावनी आपीए छे, शीघ्र अति शीघ्र आ हत्यारों की गिरफ्तारी थाय, साथे साथे जे पण सूत्रधार छे आ हत्यामां, जे पण व्यक्ति विशेष आ हत्यामां इन्वोल्व छे तमामे तमामने गिरफ्तारी शीघ्र अति शीघ्र करवामां आवे अने फास्ट ट्रेक कोर्टमां आ केस चलावी अने आमने फांसीना माचने चढ़ावामां आवे।
जो न्याय टूंक समय में नहीं मळे तो पछी कानून हाथ में लेता अमे नहीं सकावी। अमे मैदाने उतरीशु अने आ तमामे तमाम जे गुनाहित इतिहास धरावनारा जे आ लोको जे केटला समयथी हत्याओ आ भारतवर्षमां करता आव्या छे એમને જવાબ કરણી સેના ક્ષત્રિયો આપશે। બહુ જ રોષ છે અને ટૂંક સમયમાં મોટું આંદોલનની આવશ્યકતા પડશે તો એ પણ અમે કરીશું, પરંતુ હવે આર પારની જ વાત કરીશું અને ન્યાય લઈને જમપીશું। જય માતાજી, જય શાંતિ।